शरद पवार ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की। वजह ये कि पीएम मोदी को हटाना है। ममता बनर्जी मोदी विरोधी फ्रंट बनाने के लिए अपना पसीना बहा रही हैं और कोलकाता से दिल्ली तक दौड़ लगा रही हैं। शिवसेना कहती है कि ममता बनर्जी से बेहतर तो उद्धव ठाकरे हैं। राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करते हैं, उन्हें ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं और अब यही काम कपिल सिब्बल करना चाहते हैं। मतलब कि मोदी एक, मोदी विरोधी फ्रंट अनेक। कपिल सिब्बल ने अपने 73वें जन्मदिवस पर विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने घर डिनर पर बुलाया। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उसी ग्रुप 23 के नेता हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को एक साल पहले पार्टी में बदलाव को लेकर चिट्ठी लिखी थी। कपिल सिब्बल की डिनर पॉलिटिक्स से गांधी परिवार की धड़कनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल की कोशिश पार्टी से अलग है, जो राहुल गांधी को विपक्ष का सर्वमान्य नेता के तौर पर पेश कर रही है। कपिल सिब्बल के डिनर में शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं समेत कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं में आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शशि थरूर जैसे अनेक नेता शामिल होंगे, जो कांग्रेस के ग्रुप 23 गुट के सदस्य रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में खुद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था, जिसमें 2024 के लिए साथ आने पर सहमति बनी थी। ऐसे में कपिल सिब्बल के इस डिनर से खुद उनके पार्टी नेतृत्व को भी आपत्ति हो सकती है। सिब्बल का ये डिनर ग्रुप 23 द्वारा लिखे गए उस खत के भी एक साल बाद हो रहा है, जिसमें पार्टी में मूलभूत परिवर्तन की, स्थायी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सिब्बल की ओर से आयोजित डिनर में कौन कौन नेता शामिल होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ग्रुप 23 के बहुत सारे नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।